नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं आज की छोटी बड़ी खबरों की ओर। कवर्धा जिले में क्वार नवरात्र की अष्टमी पर खप्पर निकलने की 100 वर्ष से अधिक पुरानी परंपरा आज भी जीवित है। नगर के दो सिद्धपीठ चंडी देवी और मां परमेश्वरी मंदिर से दिन रविवार की मध्य रात्रि को सुरक्षा के चाक चौबंद घेरे के बीच खप्पर निकाला गया। खप्पर की वेशभूषा वीर रूपी एक अगुवाई भी निकलता है, जो दाहिने हाथ में तलवार लेकर खप्पर के रास्ता साफ करता है। मान्यता है कि मां देवी स्वरूप खप्पर निकालने से नगरों में सुख शांति बनी रहती है। बताते हैं कि खप्पर के मार्ग अवरुद्ध होने पर तलवार से वार करता है। खप्पर के पीछे पीछे पांडव का एक दल पूजा अर्चना करते हुए साथ रहता है, ताकि शांति बनी रहे। पुजारियां बताते हैं कि 5 दशक से भी पूर्व जो खप्पर का स्वरूप था वह काफी रौद्र रूप था। दर्शन करना तो बहुत दूर की बात थी। उनकी किलकारी की गूंज मात्र से बंद कमरे में लोग दहशत में आ जाते थे। बावजूद इसके धार्मिक भावना से प्रेरित होकर दरवाजे व खिड़कियों की पोल से पल भर के लिए दर्शन लाभ उठाते थे। जैक्स न्यूज छत्तीसगढ़ से जिला रिपोर्टर तुरन कुमार, कवर्धा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे।